नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदल दिया। इसका नया नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया। सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बैठक में नाम बदलने का फैसला किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर कहा, जिनका अपना इतिहास नहीं है वे दूसरों के इतिहास को मिटाने पर उतारू हैं। स्मारक का नाम बदलने का प्रयास आधुनिक भारत के निर्माता और लोकतंत्र के निर्भीक संरक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकता। यह भाजपा आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये को दर्शाता है। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार किया था। कांग्रेस के विरोध के बावजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।